आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स कैसे आपको सब कुछ देता है, कैसे समय पर ले लेता है और कैसे फिर से बहुत ज़्यादा देता है। कब आपको मांगना होता है और कब आपको देना होता है। आज की कहानी आपके मन के सारे द्वार को खोल देगी और आप समझ जाएंगे कि जीवन कितना आसान है। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। ये कहानी है पिता और पुत्र की, एक बाप और एक बेटे की। एक बार की घटना है, पिता ने अपने पुत्र को समझाने के लिए कि यूनिवर्स, ये परमात्मा कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे लिए काम करते हैं, समझाने के लिए उसने एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या था, उन्होंने दो बॉल्स रखे और दो बॉल्स में टॉफीज रख दी। इन दोनों बॉल्स में से कोई एक बॉल तुम रख लो और दूसरा मैं रख लूंगा, ताकि मैं किसी और को दे दूं ये। बच्चे ने समझदारी दिखाई और देखा कि इसमें तो दो टॉफीज रखी हुई है और ये तो खाली है, तो उसने टॉफी वाले को रख लिया। जैसा कि आपके भी मन में आया होगा, है ना, मेरे मन में भी यही आया था। तो उसने दो टॉफी वाले बॉल को रख लिया और वो मन में सोच रहा है, देखो मैं कितना समझदार हूँ, मुझे चुनने को ऑप्शन दिया गया और मैंने अपने लिए सबसे बेहतर ऑप्शन चुना। पर वो ये भूल गया कि पिता ने क्या कहा था, कि दूसरा वाला मैं किसी और को दे दूंगा। फिर यहाँ पे आया ट्विस्ट, क्या, जब उस दूसरे बॉल को पिता ने उठाया, उसके नीचे चार टॉफीज रखी हुई थी। क्या, ये तो बड़ा गलत हो गया, बच्चे का मुंह छोटा सा हो गया यार, मेरे साथ तो धोखा हो गया। फिर पिताजी ने उन्हें समझाया कि बेटा देखो, हमेशा लेने के बारे में सोचोगे, हमेशा पा लेने के बारे में सोचोगे, हासिल करने के बारे में सोचोगे, तो शायद तुम्हें उतना ही मिले जितना तुम लेना चाहते हो या जितना तुम्हें दिख रहा है। पर यदि आप अपने हिस्से का दूसरों को देने के बारे में सोचो, अगर आपको पता है कि ये दूसरों के काम भी आ सकता है, आपको उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अगर तो आप त्याग करोगे तो आपके लिए पहले से भी ज़्यादा उपलब्ध करा देगा ये परमपिता। ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखना। अगले दिन फिर से वही वाक्य दोहराया उन्होंने, दो बॉल्स रखे, एक में दो टॉफी था। बच्चे को ध्यान था कि कल दो टॉफी वाला ऐसा हुआ था, फिर चार टॉफी निकला था। उसने फिर चला की लड़ाई, उसने इस बार खाली वाले को उठा लिया और फिर देखा नीचे तो चार टॉफी होना चाहिए। यहां पे फिर से गेम हो गया, क्या, नीचे टॉफी थी ही नहीं। वो तो मतलब ठगा सा महसूस करने लगा कि अरे ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, अब क्या करें। फिर पिताजी ने समझाया कि अभी भी तुम्हारे मन में स्वार्थ है, अभी भी तुम वो दो टॉफी दूसरों को देना नहीं चाह रहे, वो चार टॉफी पाना चाह रहे हो, इसलिए भी तुम्हारे हिस्से में वो नहीं आया। और इसमें दूसरी सीख ये है कि कभी कभी तुम्हारे पुराने अनुभव, तुम्हारे पूर्वाग्रह भी गलत साबित हो सकते हैं। तो यहां पे तुम्हें क्या करना था, तुम्हें अच्छी भावना के साथ अगर तुम ये दो टॉफी वाला बॉल डोनेट कर देते, दे देते, तो तुम्हें उसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता। चलो कोई बात नहीं। तीसरे दिन फिर से वही कहानी दोहराई गई और इस बार गेम बिल्कुल अलग हो गया। कैसे, इस बार टॉफी, दो टॉफी उस बॉल में थी, दूसरे बॉल में टॉफीज नीचे दिख रही थी। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, कि टॉफी तो इधर भी है और इधर भी है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि यहाँ दो टॉफी है, यहाँ चार टॉफी है, अब क्या करें। क्लियर दिख रहा है चार टॉफी मिल सकती है, क्लियर मिल रहा है दो टॉफी मिल सकती है, तो किसे उठाएं। बच्चे ने अभी समझदारी दिखाई और दो टॉफी वाले को उठा लिया। उसको दिख रहा है कि चार टॉफी दबी हुई है नीचे। पिताजी ने कहा कि तुम इसको छोड़ रहे हो सच में। बोला हाँ, क्यों छोड़ रहे हो।
ताकि ये चार टॉफी दूसरे भी ले सके, दूसरे को भी मिल सके। मुझे समझ में आ गया। बच्चे के हाथ में दो टॉफी वाला बाउल है, वो सोच रहा है चार टॉफी वाला बाउल उसने डोनेट किया, वो खुश है। अब वो दो टॉफी को उठाने ही वाला था, उतने में जब पिताजी ने उस टॉफी वाले बाउल को हटाया तो वो क्या देखता है कि नीचे तो सिर्फ चार नहीं ढेर सारी टॉफी रखी हुई है, और इसलिए वो छलक कर उसकी आंखों में दिख रहा था। टॉफी से वो भरा होने की वजह से ही वो बाउल के नीचे वो टॉफी झांक रहे थे। इसे बड़ा बुरा लगा, यार ये तो नुकसान हो गया, ये तो मतलब मैं तो अपना पूरा नुकसान कर दिया इनकी बातों में आकर। अब गेम समझने वाली बात है। क्या पिताजी ने समझाया कि बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें उतना ही मिल जाएगा जितने की तुम लायक हो, पर तुमने क्या छोड़ा, तुमने क्या त्याग किया, ये दर्शाता है कि तुम कितने योग्य हो, कितने डिजर्विंग हो, तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, कितना साहस है। और तुम्हारे अंदर ये जो चल रहा है ना कि ठगा सा महसूस कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हारे सारे दान की प्रवृत्ति को ख़त्म कर देगी। मतलब कि तुम दान करोगे भी और तुम्हारे मन में ये जो पछतावा दौड़ रहा है ये तुम्हारे सारे पुण्यों को ख़त्म कर देगा। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ये यूनिवर्स है वो हमेशा हमारा टेस्ट ले रहा होता है, कुछ बड़ा देने से पहले, कुछ बड़ा देने से पहले हमेशा टेस्ट ले रहा होता है। इतने में बच्चे को बात समझ में आ गई, वो सर झुकाया, अपने पिताजी को प्रणाम किया और बोला कि मुझे सारी बात समझ में आ गई, अब से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। अब पिताजी को समझ में आ गया था कि बच्चा बात समझ चुका है पूरी तरह से। तभी पिताजी ने कहा, अब एक काम करो बेटा, इस बॉल को पलट कर देखो। जैसे उसने ये बॉल पलट कर देखा, उसमें एक स्टिकर चिपका हुआ था जिसमें मैसेज था कि इस स्टिकर को दिखा करके तुम 100 चॉकलेट्स खरीद सकते हो, 100 टॉफीज खरीद सकते हो, मतलब दुकान में जाकर तुम इसके बदले 100 टॉफीज ले सकते हो। समझ में आई बात कि जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम देने की मनोस्थिति में आते हैं, कैसे हमारी तरफ हर चीज खींची चली आती है। जैसे ही हम सही रास्ते को पकड़ते हैं, जैसे ही हम अपने आप के स्वार्थ से बाहर निकलकर सबके हित के बारे में सोचकर चलते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने आप को काट करके, अपना त्याग करके किसी को दे रहे हैं, अपना खराब करके किसी को दे रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना रख करके, अगर हम बाकियों को देने के बारे में भी सोच रहे हैं, सिर्फ छीनने के बारे में, सिर्फ हासिल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये यूनिवर्स हमें बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हमेशा हमें देख रहे हैं। असल में वो अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, उनका एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हमेशा देख रहा है। जैसे यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का अपना एक एल्गोरिदम होता है ना, वैसे ही इस संसार का भी, इस यूनिवर्स का भी एक एल्गोरिदम है जो आपको हमेशा देख रहा है आपकी ही नज़रों से। समझ रहे हैं? तो ये जो कैमराज हैं, ये जो माइक हैं, उनमें सही चीज़ों को डालिए जिससे आपके कर्म अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये कहानी आपको यूनिवर्स के इस बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को समझा दिया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।